आखिर क्यों डार्क स्किन या फिर सावले बंदों को व्हाइट या फिर लाइट कलर्स वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए? फॉर्मल आउटफिट के साथ अगर आप अभी भी ब्लैक कलर के शू पहनते हैं तो इसमें आप बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगने वाले। फॉर्मल क्लोथ्स ऐसे होते हैं जिन्हें आपको काफ़ी बारीकी से स्टाइल करना होता है। अगर आप भी मेरी तरह डार्क स्किन या फिर सावले बंदे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप सही से ड्रेसअप करते हैं तो आप डार्क स्किन या फिर सावले बंदे होने के बावजूद आप काफ़ी ज़्यादा क्लासी दिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से ड्रेसिंग करनी है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है और किस तरह से पहनना है। वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप बताऊंगा जो कि आपके फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शर्ट की, क्योंकि शर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर्मल आउटफिट में। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि शर्ट्स दो तरह के होते हैं, एक है कैजुअल और दूसरा है फॉर्मल। फॉर्मल शर्ट्स प्लेन सॉलिड एक कलर के होते हैं और वहीं पर कैजुअल शर्ट प्रिंटेड या फिर इस तरह के पैटर्न वाले होते हैं। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि अगर आपको फॉर्मल आउटफिट क्रिएट करना है तो आप कोई भी कैजुअल शर्ट के बजाय प्लेन सॉलिड एक कलर वाला शर्ट ही पहने, जैसे कि ब्लैक, ग्रे, नेवी ब्लू, डार्क ब्राउन, ओलिव ग्रीन और मरून। ये कुछ कलर्स हैं जो कि हमारे स्किन टोन पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज कम्पेयर टू दिस कलर्स। व्हाइट और लाइट कलर्स के शर्ट्स हमारे स्किन टोन को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, क्योंकि इनका कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा होता है जिसके वजह से हमारी स्किन टोन हद से ज़्यादा डार्क और डल दिखती है। इसलिए आपको इन कलर्स के शर्ट्स को अवॉइड करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आप जब भी शर्ट लेने जा रहे हैं तो अपना शर्ट थोड़ा सा लॉन्ग ही ले, क्योंकि शॉर्ट शर्ट को टकिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और बिना टकिंग करे आप फॉर्मल आउटफिट क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप टक इन शर्ट से परेशान हैं, आपका शर्ट इन से बार बार बाहर आता है, तो आप अपने शर्ट को अपने अंडरवेयर में टकिंग करके उसके ऊपर से पैंट पहन सकते हैं, जिससे कि आपका शर्ट लॉन्ग टाइम तक टकिंग रहेगा। या फिर आप इसके बजाय एक शर्ट टकर ले सकते हैं। अब बात करते हैं पैंट्स के बारे में, क्योंकि पैंट भी हमारे शर्ट के जितना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर्मल आउटफिट में। पैंट में आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है जो कि है पैंट की लेंथ। आपके पैंट की लेंथ ना ज़्यादा छोटी हो और ना ज़्यादा लॉन्ग हो। आपके पैंट की लेंथ आपके पैर के इस हड्डी तक ही होनी चाहिए, ना इससे ऊपर हो ना इससे नीचे। आपकी पैंट आपके शू के ऊपर के हिस्से पर टच होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेंथ वाली पैंट देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पैंट खरीदते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपकी पैंट आपके कमर में परफेक्ट फिट होनी चाहिए, जिससे कि आप शर्ट टक इन करें तो आपकी पैंट बिल्कुल भी लूज ना दिखे। अब बात करते हैं शूज़ के बारे में। आप फॉर्मल आउटफिट के साथ ब्लैक शू मत पहनना, क्योंकि ब्लैक कलर के शू काफ़ी बोरिंग हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप शू में टैन या फिर ब्राउन कलर के शू ट्राई करें। और हाँ, सस्ते शू के चक्कर में कभी भी कोई चीप फॉर्मल शू मत लेना। शूज़ में आपको थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने हैं और एक अच्छे क्वालिटी का शू ही लेना है, क्योंकि ये आगे जाके आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। आप शूज़ में ऑक्सफोर्ड, ब्रॉक्स, मॉन्क स्ट्रैप और लोफर्स भी ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सॉक्स की। आपके सॉक्स के वजह से आपके आउटफिट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट गिरता है। आप कट सॉक्स सिर्फ फॉर्मल शू के साथ ही पहने। अगर आप दूसरे फॉर्मल शू पहन रहे हैं तो आपको उसके साथ लॉन्ग वाला सॉक्स ही पहनना चाहिए। ध्यान रहे आपको अपने पैंट के अकॉर्डिंग कलर वाले ही सॉक्स पहनने हैं। या तो आप नेवी ब्लू, चारकोल और ब्लैक कलर के सॉक्स ले सकते हैं, जो कि बहुत से आउटफिट के साथ मैच करते हैं। अब बात करते हैं वॉच के बारे में। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप एक फॉर्मल आउटफिट क्रिएट करते हैं तो वॉच को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वॉच के वजह से आपका आउटफिट नेक्स्ट लेवल क्लासी दिखता है। और हाँ, वॉच पहनने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई भी डिजिटल या फिर स्पोर्ट वॉच पहननी है। आपको वॉच में सिर्फ सिंपल लेदर वाली स्ट्रिप या फिर सिल्वर स्ट्रिप वाली वॉच ही पहननी है, जो कि आपके आउटफिट का लेवल अप कर देगी। और एक फॉर्मल क्लोथिंग का रूल है कि आपके जो वॉच का कलर है वो आपके बेल्ट या फिर शू के साथ मैच होना चाहिए। और अब बात करते हैं बेल्ट के बारे में। बेल्ट में आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप फॉर्मल आउटफिट में एक शर्ट को टक इन करके पहनते हैं और अगर आप उसके साथ इस तरह के बक्कल वाले बेल्ट पहनते हैं तो आपके पूरे आउटफिट की धज्जियां उड़ जाएंगी। इसलिए मेरे भाइयों, आपको इस तरह के बक्कल वाले बेल्ट बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। इसके बजाय आप सिंपल और क्लासी बेल्ट ही पहनना है। और हाँ, बेल्ट के कलर को अपने शू के कलर के साथ मैच करना मत भूलना। अब बात करते हैं आज के वीडियो के बोनस टिप के बारे में। आप अपने शर्ट के स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करके ही पहने, जिससे कि आपके बॉडी का सबसे सेक्सी पार्ट दिखता है, जो कि है फोरआर्म, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा क्लासी दिखेंगे। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने डार्क स्किन और सावले बंदों के लिए कुछ फॉर्मल ड्रेसिंग टिप्स और कुछ मिस्टेक्स बताए हैं, जिससे कि आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल वाले बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना।
आई नो कि मैंने बहुत दिनों बाद ये लॉन्ग वीडियो बनाया है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी गाइस। किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ।